नमस्कार दोस्तों दोस्तों यूपीपीएससी की चार पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, तो इसलिए मैं यूज करूंगा अपने टैब का। तो सबसे पहले न्यूज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आरओएआरओ पेपर लीक की जांच अब एसटीएफ को दे दी गई है। तो ये कोई नई बात नहीं, आप ये तब से सुन रहे हो जब से 11 फरवरी से पेपर लीक हुआ है, तब से जांच चल रही है। अभी तक कोई आयोग ने नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया कि आरओएआरओ का एग्जाम कब होगा, और या हमने उसको कैंसिल कर दिया। अभी तक योगी जी ने ही दिया था सर, आयोग ने कुछ नहीं दिया। अब एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ से निकल गया, आप थोड़ा यहाँ इसको समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए आयोग का कहना है, अभी तक आयोग कह रहा था तब क्या कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम पेपर दोबारा नहीं कराएंगे। तो लोग देख रहे थे कितना बेचारे इलाहाबाद में कितना रिवॉल्ट करा, कितना डंडे लाठीचार्ज तक हुए, है ना, हम लोग भी गए वहां पे। अब आयोग का कहना है कि हमें जो जांच के मामले से पता चला है कि 128 प्रश्न लीक हुए हैं। कितने? 128। तो अब यहाँ से एक लॉजिक समझिए, मतलब माफिया भी देखो कितना दिमागी है, पूरे पेपर तो देगा नहीं। अब उसने देखा यार आरओएआरओ को कट ऑफ कितना जाता है, पूरा एनालिसिस करा कट ऑफ का, जितना मैक्स कट ऑफ जाता है बस उतने तक क्वेश्चन दो इनको। तो उसमें भी देखिए क्या दिमाग लगाया, सेट बी का जो जीएस का सेट बी था उससे जीएस से 103 प्रश्नों के आंसर दिए, सिर्फ 103 प्रश्न दो, और 25 क्वेश्चन सेट सी से हिंदी के 25 दिए मात्र 60 में से। तो कितने हो गए, 125 और 3 128। आराम से जिसको मिला कट ऑफ निकाल लेगा कि नहीं निकाल ले। और हम और आप जितने बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, आरओ यारो का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, झुंझुना। तो दोस्तों आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल के पेपर में और इतनी मास्टर माइंड से कि सेट बी निकाला सिर्फ 103 प्रश्न लीक कराए, सेट सी निकाला हिंदी का सिर्फ 25 प्रश्न लीक कराए, तो ये आम आदमी का काम है, इसमें कोई बड़ा पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली, है ना, तो बहुत बड़ा स्कैम है। पर वही चीज है, आम जनता को क्या लॉलीपॉप मिलता है, एसटीएफ जांच कर रही है, एफबीआई जांच करेगी, रॉ जांच करेगी, क्या हो उससे, है ना। तो अब आयोग को क्या चाहिए, देखिए आयोग संवैधानिक बॉडी, आयोग का काम है पेपर करना, आयोग का एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। मुझे बना दे यार, मैं अपना क्वालिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं भी यूपीपीएससी दिया हुआ है, यूपीएससी दिया हुआ है ना। तो आयोग को क्या चाहिए, एक स्पोक्स पर्सन जो बताए कि देखिए भैया परेशान मत होइए, आरओएआरओ का एग्जाम इस डेट की प्रोबेबिलिटी तक होगा, ठीक है, पेपर लीक के तहत कुछ दिक्कतें चल रही थी, अब हम पेपर लीक के लिए ना हो इसलिए पेपर को ऐसा ज्यादा कंसाइड वे में भेजेंगे, मतलब इतना ज्यादा सीक्रेट वे में आएगा, एकदम कबूतर लाएगा उसको या कुछ ऐसे कोड वर्ड जनरेट होंगे, गॉड नोस। चलिए खैर, ये तो पहली न्यूज थी कि आरओएआरओ से लेके अभी भी आयोग तैयारी कर रहा है कि पेपर लीक ना, तो शान पर तो मस्त तैयारी कर रहा, हो सकता है हो ही जाएगा 200 साल बाद पेपर। तो ये पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज जो बहुत शॉकिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, आपने अगर एलटी ग्रेड की परीक्षा देखी होगी जो होती थी पहले टीचर के लिए, जिसमें बीएड मांगता था ग्रेजुएशन, 6000 पद इसके खाली है, अधियाचन है पूरा। अब आयोग सोच रहा है कि इस पे हम मेंस भी कराएंगे। अब देखो क्यों मेंस करा रहा है, क्योंकि 2018 में पेपर लीक हो गया था सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का, तो भैया मेंस कराएंगे। तो एक चीज बताओ, आरओएआरओ में भी तो मेंस होता है, उसका भी तो पेपर लीक हो गया। अब अगर आप ये कहो कि पेपर लीक होता है इसलिए हम उसके 7 चरण कर देंगे, तो बच्चा मर जाएगा, कहां जाएगा वो, मतलब कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं है। सब आदमी यूपीएससी करेगा क्या, इतने इतने पेपर कैसे देगा, एक पेपर दो पेपर तीन चार पांच कैसे देगा। अब एलटी ग्रेड में भी आयोग कह रहा है प्री से काम नहीं होगा, मेंस भी लेंगे, ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम लोग कर ही जा सकते हैं भाई। तीसरी चीज, अब आयोग के सामने आपको पता होगा कितने सारे पेपर लटके, यूपीपीसीएस का पेपर लड़ा है, ठीक, एपीएस का आपने देखा होगा रिजल्ट आया तभी उसकी टाइपिंग शॉर्ट हैंड्स वगैरह बची हुई है, आरओएआरओ का पेपर बचा है, बीओ की वैकेंसी है उसका पेपर बचा हुआ है, लेक्चरर प्रवक्ता सहायक अधीक्षक, सहायक जो अधीक्षक का पेपर है, और मुख्य अभियंता का पेपर होता है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो कृषि वाली सर्विसेज का पेपर आया, और ऐसी और भी वैकेंसी, यूनानी नर्स वाला है, स्टाफ नर्स का पेपर, ऐसी 15+ पेपर है जो आयोग को कराने हैं 6 महीने में, जून से दिसंबर में। बताइए इतने कम समय में आप इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज करोगे तो डिमांड सप्लाई तो बिगड़ेगी, अब ऐसे ही लबड़ सबड़ सब होगा तो फिर वही चीज होगी, ये साल फिर ऐसा ही जाएगा बच्चों का अगर ऐसा रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एपीएस का जिसने पेपर दिया था उसको आयोग ने साफ साफ कह दिया कि सुनो बार बार ये पीआईएल आईएल कुछ भी दाखिल करो, हम आंसर की नहीं देंगे, जलवा है हमारा, हम नहीं देंगे। आयोग का साफ कहना है कि नहीं मिलेगी आंसर की, क्या कर लोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेंगे भाई, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। आयोग का कहना है कि जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, अभी आपको पता होगा एपीएस में 1 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, 5889 के आसपास पहली प्रक्रिया में पास हो गया, प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। अब आयोग के ऊपर इल्जाम था इसमें आंसर की में कई क्वेश्चन गलत थे, तो आंसर की दो भाई, पीआईएल लोग दाखिल कर रहे, तो आयोग ने कह दिया साफ आंसर की नहीं मिलेगी, आंसर की हम आपको कब देंगे, जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जितनी बची हुई अभी 1-2 चरण और पेपर के, तब हम आंसर की कट ऑफ सब देंगे। अब आयोग के सामने भैया क्या ही किया जा सकता है, आंसर की अगर आपको चाहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो देता है वो आपके लिए बेस्ट आंसर की होता है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर आपको नहीं, पूरी वैसे ही मिलेगी। और देखिए
जून से दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम्स लगातार आने, जैसा कि मैंने आपको बताया आयोग धड़ल्ले से पेपर देगा, अभी जैसे ही चुनाव ये खत्म होगा फटाफट से वैकेंसीज देगा और एकदम से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे ना। आप सोचेंगे बीईओ की करें, लेक्चरार की करें, कृषि वाली सेवा करें, ईसीएस की करें, आरओ यारओ करें, किसकी करें। तो देखिए मैं ये सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, आप जिसने जिसका भी फॉर्म भरा हो, आप लोगों ने अपने आप को कैटेगराइज करा होगा कि मैं आरओ यारओ दूंगा, कई लोगों ने सोचा होगा मैं बीईओ दूंगा, कई लोग ईसीएस की कर रहे होंगे, एसडीएम डीएसपी। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपने आप को 6 महीने के लिए प्लीज आइसोलेट करो, पढ़ाई चालू करो एकदम बेसिक से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एकदम जीरो से चीजें चल रही हैं, वीडियो क्लासेस बढ़िया से, नोट्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स मिलेगा पूरा आपको, नोट्स नहीं बनाने, आपको पूरे प्री और मेंस के करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा बढ़िया, उसको पढ़िए, जीएस के मेंस पढ़िए, आंसर राइटिंग की कोशिश करिए। देखिए मार्केट और हमारे में क्या फर्क है, जैसे आप ने हड़प्पन सभ्यता पढ़ा फिर आपको उससे रिलेटेड उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे अपडेट फॉर्म में डेली, जो आपकी आपको मार्केट में वही पुराने मिलेंगे ना। तो हर चीज के आपको पेड क्विज मिलेगा, पेड टेस्ट सीरीज मिलेगी बढ़िया से, आप एक एग्जाम पकड़िए, मेरे कहने के मतलब ये है आप आरओ करना चाहते हो आरओ का पकड़िए, जीएस को अच्छे से लर्न करिए, हिंदी पढ़िए उसमें, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज लगाइए, ऐसे ही पीसीएस आरओ यारओ बी जिसकी भी आप एग्जाम की तैयारी करो उसका ग्रुप ज्वाइन करके बढ़िया सा स्टडी मटेरियल दीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। बाकी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। नमस्कार।